सो राइट नाउ इट्स 12:53 PM. मेरा दिन स्टार्ट हुआ था 80 km. बस सिर्फ इतना ही व्लॉग किया था आपके भाई ने परसों, क्योंकि उसके बाद लाहौर में बारिश हो गई थी. तो मुझे थोड़े दिनों पहले YouTube क्रिएटर्स की तरफ से एक मेल आया था. मैंने ऑब्वियसली चेक नहीं किया, क्योंकि मैं अपना ईमेल चेक नहीं करता, जो कि मुझे करना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रांड्स भी आ सकते हैं किसी टाइम. एनीवेज, तो उस ईमेल में लिखा था कि आपके चैनल ने लास्ट मंथ 10 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट किया है. 10 आवर्स. अरे बैठ जाओ, अरे बैठ, खड़े खड़े ना अंकल, बैठ जाओ, बैठ. तो उस ईमेल के बाद आपके भाई की खुशी तो मतलब नेक्स्ट लेवल थी, मतलब छोड़ दो. तो जब मैंने ईमेल को थोड़ा और नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो यूट्यूब ने एक सजेस्ट किया था कोर्स, जो यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी की तरफ से होता है. तो उस कोर्स में सिखाते हैं कि बेसिकली आपने अपना चैनल ग्रो किस तरह करना है. तो अब मैं वो कोर्स करूँगा. उस कोर्स में 3-4 वीडियोस होंगी, वो आपने देखनी है. और उसके बाद लास्ट में एक एग्ज़ाम भी होगा, जो कि पास करना है 75% से. और ये इकलौता एग्ज़ाम होगा कि इसमें अगर फेल भी हो जाए तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे. और एग्ज़ाम से मुझे याद आया कि मैंने जो अपने बीए के पेपर दिए थे वो तो पार्ट वन के थे. अब पार्ट टू के भी तो देने, और उसकी बुक्स कहाँ पे पड़ी हैं? लास्ट टाइम जब मैंने बुक्स देखी थी तो वो यहाँ पे पड़ी थी, इस टेबल पे. अब उसके बाद मैंने बुक्स को हाथ में लगाया था, और मैंने लास्ट टाइम बुक्स देखी थी अप्रैल के अंदर, 27 अप्रैल. सो इन शॉर्ट, अभी मैंने बुक्स ढूंढनी है अपनी कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि अभी मामा घर पे नहीं है, वरना मैं मामा से पूछ लेता बुक्स का कहाँ पे पड़ी हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. ये पढ़ी हैं बुक्स. बाय द वे, जर्नलिज्म में आपके भाई के 80 नंबर थे. नहीं मानते ना? मान लो यार, थोड़ा सा तो मान लो. चलो ठीक है, ना मानो. खैर, तो अभी आप लोगों को लगा होगा कि मैंने पढ़ने के लिए किताबें निकाली हैं. अभी नहीं पढ़ना, फॉर एग्जांपल निकाल ली हैं किताबें, अभी तो पेपर अप्रैल के अंदर हैं, तो अप्रैल में पढ़ेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दूंगा, ताकि आराम से अप्रैल तक तैयारी हो जाए. अभी इस बात पे मेरे अंदर से दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं. देखिए आप, जहाँ पढ़ ले थोड़ा सा, क्योंकि पेपर्स हैं तेरे. अबे ऐसे कैसे पढ़ ले, अभी तो बड़ा टाइम है यार, अप्रैल में पेपर्स हैं, पढ़ ले. बाद में यार काफी सारा बर्डन आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ ले. अबे क्या थोड़ा थोड़ा, अभी 7 महीने हैं पेपर्स में. चुप. तो यार मैं किसकी सुनूं अब? मतलब मैं दोनों की नहीं सुनता. मैं जाता हूँ बाहर, ओपन करता हूँ लैपटॉप, और मैं अभी करने लगा हूँ यूट्यूब का जो कोर्स मैंने आपको बताया था ना, वो. सो अभी मैं कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मिलते हैं जब कभी भी कोर्स खत्म होता है. और पेपर भी है भाई. 1 hour later. 1 घंटे का पूरा कोर्स था, और 89% आए हैं आपके भाई के मार्क्स. 89%. टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस कोर्स के ज़रिए. होप कि मैं फ्यूचर में वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकूँ जो मुझे बताई गई हैं. और 89% भाई. तो अभी बज रहे हैं 6:15, तो मैंने उस टाइम के बाद अभी कैमरा पकड़ा, और मैं सुबह एक्सरसाइज करने नहीं गया था, इसलिए अब जा रहा हूँ मगरिब के बाद. तो वेला ही था, तो मैंने कहा चलते हैं, तो आ जाओ. अभी 7:05 हो रहे हैं. अभी आया हूँ वापस एक्सरसाइज करके, अभी नहाना है पहले.
अभी नहा के मिलता हूँ। तो अभी अभी जस्ट नहा के निकला हूँ, तो आज ट्रैक पे ना एक बहुत फनी सीन हो गया। मतलब एक अंकल आ रहे थे और फुल ऊंची आवाज़ में गाना गा रहे हैं, वो अंकल ने हैंड फ्री लगाई हुई थी वैसे, तो उनको अंदर से लग रहा था कि वो किशोर कुमार है, लेकिन हमको बाहर से पता लग रहा था कि भाई ये ढिंचक पूजा का बाप है। तो खैर अभी जस्ट नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद एक दोस्त ने आना है, उसको GTA सैन एंड्रियास का सेटअप कॉपी करके देना है, उसके बाद ही वीडियो एंड करूँगा मैं। तो नमाज पढ़ के आता हूँ। सो बस यार आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मतलब यहाँ तक देख ली है तो अच्छी तो लगी होगी ना, वीडियो लगी है ना, वीडियो अच्छी। खैर तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक का बटन दबा दो, मतलब फ्री है लाइक दबाना, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मतलब वीडियो में नहीं कहा, जा रहा हूँ वर्कआउट करने।